हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र शर्मा आपके अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। जैसा कि पीछे हमारी अलर्ट वीडियोस में हम सारे टेंसेस को समाप्त कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। अब देखिए, एक बात बता दूं आपको, केवल टेंसेस को पढ़ना ही असली ट्रांसलेशन नहीं होती है। कि जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, वह गीत गाती है, मैंने खाना खा लिया है, बहुत नॉर्मल सी ट्रांसलेशन होती है। लेकिन जो हमारे यूजेज होते हैं वास्तव में, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं उसी कड़ी में इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो कि बहुत ही उपयोगी होते हैं, दैनिक जीवन में हमारे काम आते हैं। अभी हम किससे कुछ चीज़ मंगाते हैं, हाँ, कि पानी लाना, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ आना, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। कोई तो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं, तो आज हम इनको पढ़ने जा रहे हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, इनको कहते हैं हम हिंदी में आज्ञा या विनय सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं हम, आज्ञा या विनय सूचक वाक्य। इसमें आज्ञा दी जाती है, किसी से प्रार्थना की जाती है। और इनकी जो मुख्य पहचान होती है हिंदी में, वो क्या होती है कि जो वाक्य का अंत होता है, एंड होता है, उसके अंत में ए ओ या आ की आवाज निकलती है। किसकी आवाज निकलती है, ए ओ या आ की आवाज। और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है, और वो भी सदैव छिपा रहता है। अब मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहां आओ। हाँ, तो किसकी आवाज आ रही है, ओ की। अब मैंने बोल दिया यहां आइए, तो किसकी आवाज आ गई, ए की। फिर मैंने बोल दिया यहां आना, आ ना, तो किसकी आवाज आ गई, आ की आवाज आ गई। तो ए या ओ या आ की आवाज वाक्य के अंत में आती है। इस सेंटेंस को हम ये भी लिख सकते हैं, तुम यहां आओ या केवल यहां आओ, तो हर एक की एक ही बात होती है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस इस तरह से पहचान में आता है। अच्छा, जानकारी के लिए बता दूं मैं कि सेंटेंस वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं। जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होते हैं, वो सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं हम एसर्टिव, जो कि मैंने टेंसेस में आपको पढ़ाए हैं, और एसर्टिव के टू काइंड होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम इंटरोगेटिव, वो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं टेंसेस में। और तीसरा है जिसको बोलते हैं हम इंपेरेटिव, जो मैं आज आपको बता रहा हूं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और चौथा होता है जिसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी। क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी। एंड फिफ्थ वन इज, दैट इज लास्ट ओनली, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा होता है ऑप्टेटिव। तो आज हम इसको बता रहे हैं, आगे मैं आपको एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव भी बताऊंगा। तो एग्जाम्पल देंगे उसका, तो हम कैसे बनाते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको कैसे करते हैं। पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में अदर वर्ड्स होते हैं। आप कहेंगे सब्जेक्ट कहाँ गया, सब्जेक्ट सब में यू होता है, हाँ, और जो कि हिडन होता है, लेटेंट होता है। अब एग्जाम्पल, दरवाजा खोलो, किसकी आवाज आ रही है, ओ की आवाज आ रही है। खोलिए लिख देंगे तो ए की आवाज आ जाएगी। दरवाजा खोलना तो किसकी आवाज आ जाएगी, आ की आवाज आ जाएगी। तो सबसे पहले हम वर्ब लगाएंगे, और वर्ब कहाँ होती है, हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में होती है, जो कि खोलो है। तो खोलो का मतलब ओपन, और दरवाजा द डोर, ओपन द डोर। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कहीं मान लो प्लीज हमें लिखना है, या ऑलवेज लिखना है, कृपया या सदैव। तो बोले कृपया दरवाजा खोलो, तो प्लीज हम शुरू में लगा सकते हैं, हाँ। और यदि हम शुरू में ना लगाएं तो बाद में लगा करके, कॉमा लगा करके प्लीज लिख सकते हैं, ओपन द डोर प्लीज, हाँ। इस तरह से शुरू में लगा दो या बाद में लगा दो। इसके बाद में अफर्मेटिव, बाद में ये होते हैं हमारे नेगेटिव। और नेगेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं, आपको पता है, नेगेटिव नोट लगाने से बनते हैं। लेकिन इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, उसमें देखिए नेगेटिव में हम या तो लिखते हैं मत, और या लिखते हैं कभी मत। तो मत के लिए हम प्रयोग करते हैं डू नॉट का, और कभी मत के लिए प्रयोग करते हैं हम नेवर का, ठीक है, डू नॉट का या नेवर का। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो शुरू में ही हम डू नॉट या नेवर में से, यदि मत आ रहा है तो डू नॉट लगाएंगे, और कभी मत आ रहा है तो नेवर लगाएंगे। उसके बाद में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एंड देन अदर वर्ड्स। जैसे यहां मत घूमो, तो सबसे पहले मत की अंग्रेजी लगाएंगे क्या, डू नॉट, और घूमने की वॉक, यहां हेयर, डू नॉट वॉक हेयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहां तक, ये
नेगेटिव, हाँ डू नॉट मत के लिए यूज हुआ। यदि यहाँ बोल रहे हैं यहाँ कभी मत घूमो, यहाँ कभी मत आओ, तो क्या लिखेंगे हम? नेवर वॉक हेयर, नेवर कम हेयर, कभी किसी को गाली मत दो, नेवर अब्यूज एनीवन। अब इसमें हम देखिए लेट का यूज पढ़ेंगे, हाँ, और लेट का यूज कैसे होता है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, इसको मैं रेज कर रहा हूं। लेट का यूज हम कैसे करते हैं देखिए, लेट लेट का प्रयोग कहां करेंगे? जब किसी सेंटेंस के अंत में दो क्या आएगा लिखा हुआ, दो या दीजिए, जब किसी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में दो या दीजिए लिखा हुआ रहा, लेकिन उससे पहले एक वर्ड और होता है ने। अब आप कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस बोल करके देखें जिसमें लेट का प्रयोग होता है, जैसे कि मुझे जाने दो, हाँ कोई सा भी वर्ड, जाने दो या जाने दीजिए, जैसे जाने दो, खाने दो, नहाने दो, पीने दो, धोने दो, हाँ ने दो जरूर आएगा या ने दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम स्ट्रक्चर इसका मैं बता दूं, लेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं? लेट। उसके बाद में फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर हम अदर वर्ड्स लगाते हैं, जैसे बच्चों को खेलने दो, बच्चों को खेलने दो। अब हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि बच्चों को खेलने दीजिए, दीजिए कह दिया तब भी बात वही है, तो क्या आ गया, ने दो या ने दीजिए। तो जहां ने दो या ने दीजिए आ जाए वहां किसका प्रयोग करेंगे? लेट का प्रयोग करेंगे। ये केवल याद रखने वाली बातें होती हैं, हाँ जैसे अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो लेट, उसके बाद में फिर द चाय चिल्ड्रन, बच्चे बहुत सारे हो गए, लेट द चिल्ड्रन, और फिर खेलने की अंग्रेजी प्ले, लेट द चिल्ड्रन प्ले। ये सेंटेंस यदि नेगेटिव होता है तो नेगेटिव मैंने आपको पीछे बताए, तो नेगेटिव होने पर डू नॉट शुरू में लगा देंगे या नेवर शुरू में लगा देंगे। अच्छा इसमें एक नियम और होता है कि यदि हम इनको शुरू में ना लगाएं तो नॉट का यूज हम तुरंत ऑब्जेक्ट के बाद कर देते हैं, लेट द चिल्ड्रन नॉट प्ले, ठीक है। अच्छा इसके बाद में यूज होता है लेट के साथ हम एक अस का यूज करते हैं, लेट अस, लेट के साथ किसका यूज करते हैं? अस का यूज करते हैं। इसका यूज कैसे होता है? जब हिंदी वाक्यों में कहीं आओ या चलो का यूज हो और उस वाक्य से हम का बोध हो, जैसे आओ पार्क में खेलें, हाँ आओ नदी में नहाएं, तो आओ या चलो खेलने चलें, तो वहां किसका यूज होता है? लेट अस का। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? लेट अस, उसके बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, हाँ जैसे चलो नदी में तैरें, चलो नदी में तैरें, तो चलो की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? लेट अस, और तैरने की स्विम इन द रिवर। अब ये नेगेटिव हो जाता है तो नॉट का प्रयोग अस के बाद में कर देंगे। एक इसमें एक यूजर होता है गेट का, बेटा किसका होता है? गेट का। गेट माने दिलवा दो, या यहां इसका मीनिंग क्या है? दिलवा दो, हाँ इसमें क्या होता है? पहले गेट, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की, वर्ब तो ये आई गई, उसके बाद में फिर अदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मुझे पेन दिलवा दो, स्पेशल यूज बता रहा हूं मैं आपको, ये मुझे पेन दिलवा दो, हाँ तो क्या बनेगा? गेट मी ए पेन, मुझे पेन दिलवा दो, ठीक है। तो ये टोटल यूज किसका हुआ? ये टोटल इंपरेटिव सेंटेंस हुआ आपके सामने। हाँ अब यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको उसकी जो आपकी क्वेरीज होंगी उनका आंसर दूंगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।